तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं 38x28 हाउस डिज़ाइन की। ये दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाया गया है, हमारे पेड यूजर थे उनके अकॉर्डिंग इस मॉडल को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। उन्हें एक ऐसा मकान चाहिए था जिनको एटलीस्ट 3 बेडरूम हो, क्योंकि उनका गांव में शायद क्लिनिक है और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस हाउस को मैंने क्रिएट किया है। तो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो सारी फुलफिल की गई हैं। तो अगर आपका भी 38x28 का एरिया है और आप चाहते हैं एक बेहतरीन सा घर, इनका एक कॉर्नर का प्लॉट है, साइड में भी गली है, फ्रंट में भी रोड है, तो वो सारी डिटेल को मैंने कंसीडर करते हुए हाउस को क्रिएट किया है। तो अगर आप ऐसा घर चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलो आज का जो प्लान है प्रॉपर तरीके से हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, समझा देते हैं। तो दोस्तों जिस मॉडल की मैं बात कर रहा था, ये पूरा मॉडल होने वाला है, काफी खूबसूरत और बेहतरीन सा मॉडल है। और इसमें दोस्तों बीच में आपको पोर्च का डिजाइन भी मिलता है, दोनों साइड पिलर देखने को मिलता है। कि मैं बताऊंगा पिलर मैंने क्यों क्रिएट की है, तो फ्रंट से ये दोस्तों डिजाइन ऐसा देखने को मिलेगा आपको, जिगजैग मोशन में आप बीम का डिजाइन मिलेगा। और दोनों तरफ आपके बेडरूम्स है तो दोनों तरफ बाहर से डोर और विंडो की आवश्यकता थी तो वो मैंने दिया है। वहीं बात करें साइड में, तो साइड में दोस्तों एक रोड है, सिंपल सी और छोटी सी रोड है, तो उस पर भी मैंने विंडो दिया, इससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। ऊपर ग्रिल वगैरह का डिजाइन देख सकते हैं। और आप ये पोर्च वाला जो एरिया है इसको थोड़ा सा देखिएगा, मैंने आगे की तरफ बनाया है। ये लगभग आपका 2.5 फिट आगे छज्जा निकला है, ये आपका 1 फिट और निकला है 3.5 फिट में, बाद बाकी आपका 2.5 फिट का छज्जा इधर और इधर दोनों तरफ। तो अभी ये 4 फिट का देखिए पोर्च है, ये यहाँ से वॉल से लेकर ये पोर्च का डिजाइन जो 4 फिट में बना है, और ये 4 फिट का बारंदा भी आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह पर से दोस्तों कॉर्नर पर मुझे पिलर देने पड़े, क्योंकि अगर 4 फिट आपका बरंदा था और लगभग 2.5 से 3 फिट छज्जा, तो 7 फिट की हाइट आगे हो जाती, इसको सपोर्ट की आवश्यकता होती, इस वजह से मैंने पिलर दिए हैं। तो यही पूरा मॉडल डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो बात करें इसकी फ्रंट एलिवेशन की, तो आप ऐसा देख सकते हैं, मैं जूम करूंगा, 2 पिलर उस पर डिजाइन, 2 पिलर सपोर्ट के लिए, और यहाँ पर आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे, ये आपको 4 फिट का बारंदा, और लेफ्ट और राइट दोनों साइड बेडरूम्स हैं, इस वजह से अलग अलग डोर और विंडो दिए। मिडिल का डोर आपका ये जो कि डबल डोर है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ग्राउंड फ्लोर पर दोस्तों आते ही आप देखिएगा स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे, मेन डोर से एंट्री करेंगे, और मैं टॉप व्यू आपको पहले दिखा दूं, सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो आप इस एरिया में आते हैं, इस एरिया से आप दोनों रूम को एक्सेस कर पाएंगे, लेफ्ट और राइट साइड के। राइट हैंड रूम की बात करें तो अंदर से भी डोर है, बाहर से भी डोर और विंडो, और साइड से भी विंडो, तो प्रॉपर वेंटिलेट होगा इसका ये एरिया दोस्तों है। और यहाँ के बाद इधर लेफ्ट हैंड में जो आपका बेडरूम है वहां पर भी बाहर से डोर और विंडो और साइड से भी आपका विंडो दिया है। तो इन दोनों बेडरूम्स को प्रॉपर तरीके से बाहर से और अंदर दोनों जगह से एक्सेस किया जा सकता है। अंदर जाते तो आपको एक डोर और मिलता है, यहाँ से मैंने सेपरेट कर दिया है, तो आपको एक कॉर्नर पर बेडरूम और देखने को मिलेगा जिसको आप डाइनिंग एरिया से आंगन से ही एक्सेस कर पाएंगे। और इधर आपका साइड में विंडो है, इधर दोस्तों आपकी स्टेयर्स है, आप पहला चरण स्टार्ट करेंगे, टर्न होंगे और वापस आएंगे, उसी के नीचे दोस्तों 3 फिट इस एरिया को कवर किया है, और बाद बाकी जो स्पेस और बचा उसको कवर्ड करते हुए मैंने किचन डिजाइन किया है। यहाँ पर बाथरूम लेट बाथ नहीं बना है, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो हमारे कस्टमर है वो अपना ऊपर कहीं एडजस्ट करने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने यहाँ बाथरूम नहीं बनाया है। अगर आप बाथरूम चाहते हैं तो आपको बाहर कहीं किसी कॉर्नर पर बनवाना होगा। तो ये ग्राउंड फ्लोर का डिजाइन मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। 2 बेडरूम्स, बीच में पोर्च का डिजाइन, बारंदे के लिए पिलर बन गए हैं। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते ही दोस्तों 3.5 फिट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ देखने को मिलेगा, जो कि सिंपल से ग्रिल है। दोस्तों इस कॉर्नर को देखिएगा, जो स्टेयर्स बनाई है ना, स्टेयर्स और किचन, इस पूरे एरिया को मैंने कवर्ड कर दिया गुमटी में। ये आपकी जो डोर है बाहर तरफ दिया, इस कॉर्नर पर पूरा गुमटी बना हुआ देख सकते हैं। बाद बाकी पूरी छत आपकी एक सी दिखेगी, आपको भी फंक्शन कर सकते हैं वगैरह। और आगे स्टेयर्स का आपका ग्रिल का डिजाइन देखिएगा, काफी खूबसूरत और सिंपल सी ग्रिल मैंने इस्तेमाल की है, ज्यादा बड़ी नहीं, जिसमें बजट बढ़ेगा आपका, तो इन चीजों को आप देखिएगा मतलब प्रॉपर तरीके से। बाद में इस गुमटी को भी ढक दिया है। तो ये ओवरऑल मॉडल 38x28 में जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे बनकर रेडी होता है। अगर आपके मॉडल पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मॉडल बहुत ही पसंद आया होगा। साथ साथ अगर आपने अभी तक इस स्मॉल हाउस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहते हैं।
अगर आप घर से संबंधित किसी प्रकार की अन्य जानकारी भी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट करें। और दोस्तों, मैंने अपना एप्लीकेशन शुरू कर दिया है जिसके लिए मैं लगातार आप लोगों से बोलता रहता हूँ। अगर आप हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, मटेरियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उस एप्लीकेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी आप विजिट करिएगा, सबका डिटेल आपको वहाँ पर मिलती रहती। अगर आप कोई पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।